guys, a warm welcome to you all on our channel God's Glory by Sukhmani. How are you all doing? I hope आप सब अच्छे होंगे. आज की tarot card reading you versus them पर होने वाली है. आपकी energies क्या हैं, आपके person की energies क्या हैं, वो हम check करेंगे. सबसे पहले आपकी energies देखेंगे. एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे, आप लोगों को बताना चाहूँगी मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. जो भी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अपना प्यार देते हैं, मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. और जो भी लोग नए हैं और नए आए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँ उसके लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास आ जाएं. सो बेल को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक ज़रूर कर देना ताकि आप कोई रीडिंग को मिस ना करें. राइट, जो भी लोग मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो अब जल्दी से देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज क्या हैं और आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं. सबसे पहले आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए देख लेंगे. क्या चल रहा है आपके माइंड में, क्या चल रहा है आपके दिल में, आपके पर्सन के लिए क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है आपके दिल में, क्या एनर्जीज हैं आपके पर्सन के लिए. थैंक यू. क्या एनर्जीज हैं? मास्टर. मास्टर इज द फर्स्ट कार्ड. मैनिफेस्ट. Then we got solar plexus chakra, crown chakra, success and growth, and last card is choose your battles. Bottom of the deck हमारे पास है शाइन. ओके सो गाइज, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ आपके लिए वो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके जो एनर्जीज हैं आपके पर्सन के लिए वो ऐसे हैं कुछ कि आप चाहते हो ये पर्सन, आप किसी जगह पे कहीं फंसे हुए हैं, राइट, और उस एनर्जी से आप चाहते हो कि पर्सन बाहर आ जाए. आप इस पर्सन को जो ये केज्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपके पर्सन शायद आपको बहुत ही रोकते टोकते हैं या बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं आपको लेकर. ऐसे होता है ना कि पोजेसिव भी होते हैं कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा, कि ये मत पहनो, ये मत करो, ऐसा मत, यहाँ मत जाओ, वो मत करो. तो हो सकता है आपके पर्सन की एनर्जीज भी कुछ इस तरीके की हों. ओके एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है और ये बात शायद आप भी जानते हैं. बट कुछ लोग जो कि अपने पर्सन को ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें करवाना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप उनके पीछे जा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उनके पीछे जा रहे हैं और आप वो आप चाहते हैं कि वो आपके हिसाब से चलें, आपके हिसाब से चीज़ें करें. यहाँ पे स्पेशली इन लोगों के लिए मैसेज है, प्लीज़ इस पर्सन को जो कर रहे हैं आप करने दीजिए, इनके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप जितना इनको चेस करते रहेंगे उतना ये पर्सन आगे भागते रहेंगे. तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, शायद उस वजह से आप मे बी कुछ लोग गलत भी कुछ गलत चीज़ें भी कर रहे हों. डोंट डू दैट. आपने सही रास्ते पे चलना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है, आपने प्रे करते रहना है. आप दिल और जान से यही चाहते हो कि ये पर्सन नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बाहर आ जाए. ओके एंड आई नो आप इस पर्सन के साथ बहुत अच्छे से रहे हो, बहुत ही प्यार आपने इस पर्सन को दिया है, आप दिलो दिमाग से इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन मुझे दिख रही है. और आप जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जिन भी लोगों के लिए मैसेज आप पिक कर सकते हैं, बाकी लोग छोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए मैसेज है. बट ज़बरदस्ती आप अपने आप को किसी पर फोर्स नहीं कर सकते हो. आप उनको प्यार कर सकते हो, अपनी तरफ से केयर कर सकते हो, अटेंशन दे सकते हो, डेडिकेशन दे सकते हो, पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो. आप जो कर सकते हो वो मैनिफेस्ट कर सकते हो. तो यहाँ पर बहुत लोगों के लिए मैसेज है कि मैनिफेस्ट कीजिए. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर भी रहे हैं अपने पर्सन को पाने के लिए. एंड मुझे लग रहा है कि जो भी लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेजेस हैं कि सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड क्राउन चक्रा के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है. यहाँ पर हो सके तो आप
पर्पल कलर, येलो कलर को अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए, चाहे वो कपड़ों की फॉर्म में, चाहे कोई हैंकी आप अपने पास रख सकते हैं, मे बी कोई रबर बैंड इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं, कोई थ्रेड ऐसा बांध सकते हैं हाथ में, ओके, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने पर्सन को, डेफिनेटली आपको सक्सेस और ग्रोथ मिलने वाली है। आप इस पर्सन के साथ ही रहना चाहते हो, आपके दिलो दिमाग पे जैसे ये पर्सन छाया हुआ है, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि जैसे आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए मुझे ये पर्सन चाहिए है। पर कुछ लोगों की ना ईगो पे भी आ गई है, जैसे कि अब मुझे ये चाहिए ही है, या इसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, तो वैसी एनर्जीज भी हो सकती है। बट आपने कोई भी गलत रास्ता नहीं चुनना है, फोकस आपका सही होना चाहिए, रास्ता आपका सही होना चाहिए, डेफिनेटली यू विल गेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहते हो, सकता है पर्सन एफर्ट्स नहीं करते हों आपके आपके लिए, है ना, और आप हमेशा देखते ही रहते हो कब ये एफर्ट्स करेंगे, कब अच्छा होगा सब कुछ मेरी लाइफ में, कब चेंज आएगा, कब कब चीज़ें होंगी, यू नो व्हेन इट विल हैपन। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही जल्द, आई नो आपने बहुत ही वेट किया है और बहुत ही सहा है, बट ज़रूर ज़रूर आपको प्यार मिलेगा एंड यू हैव टू शेयर द लव। आपने ये नहीं सोचना मुझे प्यार नहीं मिल रहा, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा तो मैं क्यों प्यार दूँ, नहीं, आपने इस एनर्जी में नहीं आना है। आप जितना प्यार बांटोगे ना उतना ही मल्टीप्लाई होकर आपके पास आएगा, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं आना है, बैड स्टेट ऑफ माइंड में नहीं आना है। जिस भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में पर्सन है डेफिनेटली निकल जाएंगे, ट्रस्ट रखना है, ओके, ट्रस्ट रखना है, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि मुझे ये चाहिए ही है, एंड बहुत लोगों को अंदर से कहीं ना कहीं ये बिलीव भी है कि ये पर्सन मेरे पास आएंगे ही आएंगे चाहे कुछ भी हो, राइट? तो ये आपके एनर्जीज जो है मुझे दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 555 नंबर बहुत ज़्यादा इनको दिख रहा होगा, नंबर 5, 14, 23 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, 555, 555, 5×5, 4×5 बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा इस दौरान, और चेंज मुझे आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, ओके। अब हम जल्दी से गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, आपके एनिमल स्पिरिट आपको क्या बोल रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, ओके। बहुत सारे कार्ड्स हैं तो इतने सारे नहीं लेते हैं हम, आई नीड जस्ट वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक, थैंक यू। थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। ओके, कैट इंडिपेंडेंट, वाओ, यू आर अ नेचुरल हीलर, योर इंट्यूशन इज स्ट्रांग, यू डोंट हैव टू गो विद द क्राउड, लाइफ सपोर्ट्स यू इन एवरी वे। सो हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पर कैट्स बहुत ज़्यादा दिखती हों, वाइट कैट, ब्लैक कैट, ब्राउन कैट बहुत ज़्यादा दिख रही हो, स्पेशली कुछ लोग को वाइट में भी, वाइट एंड ब्राउन मिक्स में कुछ दिख रहा हो। एंड यहाँ पर आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, यहाँ पे कुछ लोग मुझे ऐसा दिख रहा है, एंड आप नेचुरल हीलर हैं, आप जिसके भी पास में रहेंगे ना आप उसको भी हील कर देंगे। बट कहीं ना कहीं आपने अपनी एनर्जीज को इतना नेगेटिव कर लिया है लोगों को हील करके कि अब आप खुद ही जैसे स्टक हो चुके हो, है ना, आप सबके साथ तो बहुत अच्छा करते हो बट आपकी एनर्जी स्टक हो चुकी है ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड ब्लॉक्ड मत रहिए इस चीज़ से बाहर निकलिए, आपकी इंट्यूशन एक्चुअली बहुत स्ट्रांग है। एंड आपके लिए बहुत स्पेशल मैसेज ये भी है कि आपको क्राउड के साथ नहीं जाना है कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, उसने ऐसा करा तो मैंने भी ये कह दिया, नहीं, यू डोंट हैव टू डू दैट वे। एंड आपको लाइफ सपोर्ट कर रही है, आपको एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हर कोई पर्सन आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड, एनिमल स्पिरिट गाइड मुझे लग रहा है कैट हो सकती है। तो प्लीज़ जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं कैट के थ्रू उसको सुनिए, हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको दिख रही हो, या आप कैट को रखने का सोच रहे हों, या हो सकता है आपके पास ऑलरेडी कैट हो, तो ये भी कुछ यू नो यहाँ पर मैसेजेस हैं। अब हम ये देख लेते हैं आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, राइट, आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या हैं, आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। रीडिंग को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइज, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया तो। आपके पर्सन की एनर्जीज, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
ओहो, फाइव ऑफ सोल्स, देखिए फाइव आ गया फिर से, यहाँ पर भी आ गया फाइव ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू, भी पांच पांच बहुत दिख रहा होगा आपको, राइट। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, एंड वन लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, द हायरोफेंट, अगेन नंबर फाइव, ठीक है। देखिए यहाँ पे गाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ज़्यादा लड़ना चाहते हैं, डेफिनेटली किसी के जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंस में है, या तो इनको गलत सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और कभी कभी ये पर्सन अपनी ईगो पे इतना ज़्यादा ले लेते हैं कि बहुत बुरी बातें भी बोल देते होंगे, जिससे कि आप बहुत हर्ट हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फाइव फाइव एंड फाइव, अगेन थ्री फाइव्स आ गए हैं हमारे पास, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात हो रही है। नंबर सिक्स हमारे पास आ गया है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में, तो यहाँ पर डबल सिक्स ट्रिपल सिक्स की भी ऊर्जा मुझे मैं पिक कर पा रही हूँ। साथ में जो चीज़ मुझे ये दिख रही है यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स में, वो ये दिख रही है जैसे आपके पर्सन को इस चीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है कि आपने जैसे उनको छोड़ दिया है। अब हो सकता है आप पहले बहुत कॉल्स करते थे, बहुत टेक्स्ट करते थे, अब एकदम से अब आपका एटीट्यूड चेंज हो गया, तो ये पर्सन भी हैरान रह गए हैं कि इसने तो मुझे कोई कॉल बैक नहीं किया, या हो सकता है कि आप ही ने उनको छोड़ दिया हो, तो ये चीज़ भी इनको हर्ट हो रही है कि जैसे उनको ऐसी इनसिक्योरिटी हो रही है कि आपकी एनर्जीज जो हैं कहीं और शिफ्ट हो गई हैं, आपकी एनर्जीज कहीं और चले गई हैं, मे बी आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, तो ये एनर्जीज भी हो सकती हैं आपके पर्सन की। बट अब ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, डीप रिग्रेट में है कि इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, ये अपनी हर एक गलती के ऊपर पछता रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके पीछे से कुछ बैक बाइटिंग भी हो रही हो, बैक बिचिंग भी हो रही हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे फ्रेंड्स सारे साथ में बैठे होते हैं, जो भी लोग आपके रिलेशनशिप में नेगेटिविटी फैला रहे थे उनके साथ बैठकर कुछ बातें होती हों, तो ये पर्सन गुस्से में कुछ बातें कह भी देते हों, बट मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे ये पर्सन के दिल में आज आप आज भी हो, राइट। क्योंकि यहाँ पर या तो ये अपने किसी को कह देते हैं, सही, अपने दिल में ही कुछ गलत गलत इनके मन में ख्याल आते रहते हैं कि इसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे कॉल नहीं किया, इसने मुझसे बात नहीं की, इसने मुझे तवज्जो नहीं दी, इसने मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दिया। हो सकता है ऐसे एनर्जीज भी हों, बट ये पर्सन आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट आपसे चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, विच शो सेलिब्रेशन, स्पेंडिंग अ गुड क्वालिटी टाइम, कोलैबोरेशन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, विश फुलफिलमेंट, ये सारी चीज़ें इस कार्ड से हमें यहाँ पर पता चल रही है। तो होप है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है वो टाइम बीइंग है, बट आगे साथ में ही रहना है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो जब भी ये मूव ऑन होने की बात करते हैं तो ये मूव ऑन आपसे नहीं हो सकते, इनको ये चीज़ समझ में आती है, और जिस प्रॉब्लम में ये फंसे हुए हैं उधर से जैसे ये निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपसे, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, आपसे मूव ऑन नहीं हो सकते हैं, कहीं ना कहीं अभी भी इनकी नज़रें आपकी तरफ ही हैं। वाओ, टू ऑफ कप्स, अगेन वी हैव गॉट टू ऑफ कप्स, तो रियूनाइट करेंगे, रियूनियन होगा अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो, बट प्यार इतना है कि आपकी सारी विशेस मुझे बहुत ही जल्द पूरी होते हुए दिख रही हैं, क्योंकि इस पर्सन की इनसिक्योरिटी बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ती जा रही है, और इनको ऐसा है कि आप किसी और के साथ आगे ना बढ़ जाओ, तो ये वाली एनर्जीज भी हैं, बहुत सारा प्यार भी इनको आ रहा है, जैसे मिक्स्ड इमोशंस होते हैं ना, गुस्सा भी है, प्यार भी है, बट आपकी जो वो मदर लाइक क्वालिटीज़ है ना, उसको मिस कर रहे हैं। नंबर थ्री यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे, यहाँ पर नंबर 12, नंबर 21, 30th इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, थ्री थ्री टाइम्स थ्री, फोर टाइम्स थ्री, डबल थ्री भी यहाँ पर मुझे इम्पॉर्टेंट लकी दिख रहा है, कुछ लोगों को ज़्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस मुझे आती हुई दिख रही है, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रहे हैं, बट ये डोमेस्टिक हार्मनी जो ब्लिस होता है शादी का, हैप्पीनेस, वो आपके साथ ही सोचते हैं। हो सकता है आप अगर मैरिड हैं तो आपकी लाइफ भी कुछ बहुत अच्छी नहीं चल रही है अपनी लव लाइफ, राइट। सो ये पर्सन आपके साथ ही कमिटमेंट चाहते हैं, थोड़ा फैमिली इशू या प्रेशर हो सकता है जिसको ब्रेक करके आपके पास डेफिनेटली रीयूनाइट होंगे, क्योंकि कितना भी ये कोशिश कर लें आपसे दूर नहीं जा सकते अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन में हो, और अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हो बहुत ही जल्द आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पर्सन से कमिटमेंट। तो ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको डेफिनेटली डेफिनेटली नहीं छोड़ना चाहते हैं, एंड गुस्सा ज़रूर है, ईगो ज़रूर है, बातें कभी कभी ऐसी कर देते हैं, बट हो सकता है कि उसमें भी कुछ वजह हो, राइट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस रीडिंग, एंड ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नंबर एंजल नंबर 1444
कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 14 and 41 इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है. दोनों नंबर्स आप सर्च आउट कर सकते हैं, एंजल नंबर्स के बारे में पढ़ सकते हैं जो मैंने मेंशन किया है, जिसमें आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज हो सकता है. बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव.